इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अगर यहाँ पर अपने पोस्ट बैंक के अंदर अपने आधार कार्ड को टिक बनाते हैं, मतलब कि पूरा आधार कार्ड यहाँ पर डालते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है प्लीज़ एंटर वैलिड आधार नंबर। तो बेसिकली ये क्या इशू रहता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है आपके आधार कार्ड की, तो वर्चुअल आईडी डालिएगा, एंड आधार कार्ड का नंबर है तो आधार कार्ड का नंबर डालिएगा। आधार कार्ड का नंबर आपके आधार जो आपका आधार कार्ड हो उसके ऊपर ही मिल जाएगा, और बिल्कुल उसे सही सही डालना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने दो दो आधार कार्ड बनवा रखे हो तो दूसरे वाले को मत डालिएगा, जो रिसेंटली एक्टिवेटेड हो उसको डालिएगा, ठीक है। जब आप उसको सही से डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और री एंटर करेंगे आधार नंबर को सही से, बिल्कुल परफेक्टली तरीके से, तो आपका जो है ये इस तरीके का एरर आपको नहीं दिखाएगा। अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं, इसमें देखिए गाइस ये डाल देते हैं, तो ये इसी तरीके से दिखाएगा, बट प्रॉपरली हम सही डालते हैं तो इस तरीके से ये हमें नहीं दिखाएगा, ये हमारा री एंटर का ऑप्शन आ जाएगा अगर ये वैलिड होगा तो, ठीक है। और ये डिटेक्ट करता है, पूरा डेटा रहता है इनके पास, और सही आप डालते हैं तो तब ये खुलता है, अदरवाइज ही नहीं खुलता। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा, अगर देखिए समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।